शरद यादव जी के दामाद जो हैं वो हमारे साथ हैं। सर कल क्या हुआ था, हॉस्पिटल वगैरह ले गए आप लोग, फिर कैसे क्या हुआ? उनको कार्डियक अरेस्ट आया था घर पे, तो उनका जो नर्सिंग स्टाफ है उनने उनको उनकी चेस्ट को प्रेस किया तो उनको सांस आई। उसके बाद हम समझ गए इनको कार्डियक अरेस्ट आया, तो इनको हम तुरंत प्रभाव से हम अस्पताल की ओर लेके गए, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। बस वहाँ पहुँचने से पहले ही उनको एक और दोबारा से एक अटैक आया और 9:15 का समय अस्पताल ने बताया। चूँकि आप उनके दामाद हैं राजकमल जी, ये जानना चाहता हूँ कि बड़े बड़े राजनेताओं के अब दुख व्यक्त करने के फ़ोन भी आ रहे होंगे, तो किन से बात हुई है कुछ बता सकते हैं आप? देखिए दुख की घड़ी है सभी लोगों के, देश भर से शरद जी के प्रति बहुत ही प्रेम था, सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग चिंतित है, परेशान है कि कैसे हो गया, कि सोच भी नहीं सकते थे कि ये क्या हो गया, देश भर से फ़ोन आ रहे हैं। चूँकि आप दामाद हैं, उनके मेमोरीज बहुत जुड़ी होंगी आपकी इसमें, ऐसी कोई मेमोरी जो आप साझा करना चाहें पूरे देश को? मेमोरीज तो देखिए काफ़ी है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, अब बस केवल उनकी मेमोरीज ही रह गई है। हाँ एक चीज़ है, उनने अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने जितने भी उनके चाहने वाले, उन्हें एक ही चीज़ सिखाई है कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी के पथ पर चलो। जो उनका जीवन रहा, कुछ बड़े नेता मैसेज जिनका आने वाले हों जो आज यहाँ पे? देखिए वो तो अभी मैं इस चीज़ की जानकारी, मुझे जो आना होगा वो आएंगे ही उनको देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। ठीक, थैंक यू। निश्चित तौर पे राजकमल जी जो उनके दामाद हैं, दुख साझा करते हुए बता रहे थे कि किस तरह से यादें जुड़ी हुई हैं। हालांकि जो पार्थिव शरीर है वो कल मध्य प्रदेश जो पैतृक निवास है शरद यादव जी का, वहाँ पे जाएगा और उसके बाद से अंतिम क्रिया किया जाएगा। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24 दिल्ली।